बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुक्स हेवन। आज हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो पॉपकॉर्न, जो कि बहुत लाइट होते हैं। इसके लिए हम लेंगे 2 बड़े आलू और इसको हम अच्छे तरीके से एक जैसी शेप में कटिंग कर लेंगे ताकि वो फ्राई होकर अच्छे लगें। अब हम इन आलूओं को एक बाउल में डालेंगे और ठंडे पानी से हमने इसे कम से कम 3 से 4 बार धोना है ताकि आलूओं में जो एक लेस सी होती है वो अच्छी तरह निकल जाए। अब हम आलूओं को बॉईल करने के लिए इसमें पानी डालेंगे। पानी इतना डालना है कि आलू सारे इसमें डिप हो जाएं। अब हम इसमें नमक डालेंगे। हमने आलूओं के क्यूब्स को इतना बॉईल करना है कि ये सिर्फ 10% रह जाए, 100 में से 10% रह जाए, 90% हमने इसे बॉईल कर लेना है। अब हम इसमें ठंडा पानी डालेंगे ताकि अच्छी तरह गर्म पानी निकल जाए। उसके बाद हम इन क्यूब्स को किचन नैपकिन में फैला देंगे ताकि अच्छी तरह ड्राई हो जाए। अच्छी तरह ड्राई करने के बाद एक प्लास्टिक बैग में 2 टेबलस्पून फुल 2 खाने के चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर के डालेंगे और अपने आलू के क्यूब्स इसमें डाल देंगे। और अच्छी तरह इनको मिक्स कर लेंगे ताकि सारा कॉर्नफ्लोर क्यूब्स पर लग जाए। ये देखें, अच्छी तरह कॉर्नफ्लोर आलू के क्यूब्स पर लग चुका है। अब हम एक कढ़ाई में ऑयल लेंगे और इतना लेना है कि क्यूब्स डीप फ्राई हो जाएं और एक एक करके ऑयल में क्यूब्स डालेंगे और इन क्यूब्स को मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। आंच हमारी दरमियानी से तेज होनी चाहिए। इसके बाद लाइट गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेंगे। अब हम ऊपर अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डालेंगे और फिर काली मिर्च ऊपर डाल देंगे। यम्मी से पोटैटो पॉपकॉर्न तैयार हैं, जो कि बच्चे बहुत ज्यादा लाइक करते हैं। जैसे बच्चों को फ्राइज पसंद आती हैं, ऐसा ये पोटैटो पॉपकॉर्न आप बनाकर दें, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। हम इन्हें स्कूल लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।